आज हमारे ईवीएस का एक्टिविटी डे, ईवीएस में एक्टिविटी करेंगे आज हम। हाउ डू आर लंग्स वर्क, कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। लंग्स क्या काम करते हैं हमारे लिए? ब्रीदिंग का काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। उसमें दो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो चलिए अब हम एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं लंग्स का। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये जो आप मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल हमें इस मॉडल को बनाने के लिए चाहिए होगा। तीन बैलून हैं, एक डिस्पोजल ग्लास है, एक स्ट्रो पाइप है, सेलो टेप और सीजर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमने डिस्पोजल ग्लास लिया है, इसके बॉटम में एक हम छेद करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रो ली है, स्ट्रो को हमने तीन हिस्सों में काटा है। ठीक है, तीन हिस्से बनाए हैं इसके, एक हिस्सा बड़ा रखना है और दो इसके हिस्से छोटे रखने हैं। अब ये दो छोटे वाले जो हिस्से हैं, इनको आप इस तरीके से जोड़िए कि ये जो बड़ा है विंड पाइप जो है हमारी, वो दोनों साइड में इसके अटैच हो सके। ठीक है, इस तरीके से अटैच हो सके दोनों साइड में, जैसे मैंने इसको ये पहले से अटैच करके रखा है। ध्यान से इसको अटैच कीजिएगा ताकि ये इस एक वाई शेप में बन सके। उसके बाद ये जो बैलून्स हैं, इन बैलून्स को हमें ये बड़े साइज के बैलून है, तो इनको हमें थोड़ा सा काट लेना है। तो अब ये देखिए, इन बैलून्स को मैंने यहाँ पे दो हिस्सों में काट लिया है, और ये जो अब ये थैली जो बन गई है बैलून की, अब एक को हमें इधर जोड़ना है इसके यहाँ पे इधर, और दूसरा इधर इस तरीके से, ताकि दोनों साइड जो है वो बराबर इक्वली ले रह सके। इस तरीके से जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। तो बच्चों देखिए, ये दो बैलून जो है हमने काट कर इनको इस तरीके से ऐड कर लिया, ताकि जब इसमें से हवा आएगी तो इन दोनों हिस्सों में बराबर पहुंच सके। ठीक है, अब आगे है, आगे क्या करना है आपको, कि ये जो विंड पाइप है, ये जो हमने ग्लास के बॉटम में जो छेद किया था, इसके आर पार डालनी हमें। ओके, तो हमने ये ग्लास के बॉटम में से ये विंड पाइप को बाहर निकाल लिया है, और ये दोनों लंग्स जो हमने एक मॉडल बनाया है, ये दोनों लंग्स इससे इसके अंदर रह गए। इसका मतलब ये है कि ये लंग्स जो है हमारी, ये चेस्ट कैविटी है। ठीक है, हमारी चेस्ट के अंदर, रिब केज के अंदर जो जगह होती है, वहाँ पे ये लंग्स स्थित होते हैं। इस तरीके से विंड पाइप ऊपर की तरफ आती है। अब हमें इसका डायफ्राम बनाना है, नीचे का हिस्सा जिसके ऊपर लंग्स टिके होते हैं। तो एक ये बैलून है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है, और इस बैलून को हमें खोल कर यहाँ इसके नीचे डालना है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ एक जो लास्ट का बैलून बचा था, हमने इस ग्लास के एक सिरे पे डाल दिया, और इसको टेप लगा दिया हमने ताकि ये निकले ना। अब ये जो है हमारा डायफ्राम है, और ये अंदर ये जो लंग्स हैं, तो अब इसको ये ध्यान से देखिएगा कि ये विंड पाइप ऊपर आई हुई है, खुली है आपके सामने, लेकिन जब ये डायफ्राम काम करवाता है लंग से। देखिए ध्यान से कि जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है या रिलीज होता है, तब ये लंग्स हवा भरते हैं और हवा छोड़ते हैं। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं सही से, तो इसी तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं।